तीन बेडरूम के घर का प्लान दिखा रहा हूँ, पूरा कंप्लीट वीडियो, अभी काम फिनिश होकर भी 2 महीना हो गया है। और इसके टेरिस पे एक बेडरूम बना है, एकदम मस्त वाला बना है, दिखने में एकदम जबरदस्त लुक आया है, पूरा पार्किंग वोकिंग बाहर से बना है। ये देखो जो हमारा टीवी यूनिट है, टीवी यूनिट में पूरा बिनियर का काम हुआ है, बिनियर का हुआ है और राफ्टर का हुआ है, क्योंकि थोड़ा सही से दिख नहीं पाया इसमें कैमरा से, और राफ्टर का हुआ है और बिनियर का हुआ है। और ये वाला देखिए मंदिर, मंदिर में क्या नीचे बॉक्स बना दिए हैं, ऊपर वुड का सीलिंग दे दिए हैं, और बाकी जो साइड में वाइट वाला दिख रहा है ये पूरा टाइल्स का काम हुआ है, बस हम बाहर से फ्रेम बना के लकड़ी का बना दिए हैं और इतना ही काम हमारे इसमें हुआ है। उसके बाद किचन के देखिए टंडम बॉक्स लगाने से कितना फ़ायदा होता है, अब देखिए इसके अंदर कितना सामान भरे हुए हैं, क्योंकि लोग शिफ्ट हो गए हैं, देखिए पूरा भरा हुआ है और एकदम आसानी से स्मूथ से जाता है, क्योंकि जाता है कि टंडम बॉक्स का जो चैनल रहता है वो थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन बहुत हैवी रहता है, जब चैनल हैवी रहेगा तब कितना भी सामान रखेंगे आराम से चला जाएगा। देखिए कटलरी है, इसको भी निकाल के धो भी सकते हैं। उसके जो कोने वाला जो जगह है, कोने वाले एकदम सिम कॉर्नर या स्कैनर बहुत कम लगाते हैं, क्योंकि थोड़ा जब ज़्यादा वजन डालेंगे थोड़ा लूज वगैरह ज़्यादा हो जाता है। देखिए कितना सामान भरा है, उसको कुछ होने का चांस नहीं है। और साइड में बिकर बास्केट है, अपना हरी सब्जी वगैरह रखते रहिए। उसके बाद देखिए जो पेंट्री यूनिट है, पेंट्री यूनिट की जगह हम पेंट्री सेट अंदर और नहीं लगाए थे, हम सेल्फ लगा दिए हैं, लगभग काम वही करेगा क्योंकि डीप इसका कम है और लूज होने का कुछ चांस ही नहीं रहेगा। उसके बाद आपको मास्टर बेडरूम का प्लान दिखा दे रहा हूँ। मास्टर बेडरूम में क्या है, एक दीवार पूरा हम वार्डरोब बना दिए हैं। वार्डरोब बनाने से क्या है कि वार्डरोब के बगल में जो विंडो था, विंडो के नीचे हम बॉक्स बनाए थोड़ा कम हाइट वाला, जिसके तरफ गद्दी लग जाएगा तो बैठने वगैरह काम आएगा। जो सामने वाला जो बॉक्स है, इधर बॉक्स बेड के जो सामने बॉक्स, इधर टीवी आने वाला है। और स्लाइडिंग वार्डरोब के अंदर का दिखा दे रहे हैं, अभी देखिए इसके अंदर जो है। और लेफ्ट में देखिए हम दरवाज़ा दिए हैं, क्योंकि स्लाइडिंग वार्डरोब में उतना लॉकर के लिए उतना सेफ्टी नहीं है। अरे देखिए जो बेड जो दिखाई दे रहा है, बेड में क्या है, हेडोली बेड बना दिए हैं और इसके हेडबोर्ड में पूरा हम कुशन लगा के टाइट कर दिए हैं, ताकि आराम से बैठने वैठने में आराम रहेगा। और ये ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग में देखिए अंदर स्टोरेज भी है और नीचे पप्पी बना दिए हैं, ताकि आप ड्रेसिंग करके उसको अंदर रख देंगे, आपको अलग से चेयर रखने का जरूरत नहीं है। उसके साइड में जो है ये डिस्प्ले के लिए बना दिए, दरवाज़ा बंद रहेगा तो भी साइड से दिखेगा, उधर कुछ अपना सामान रख सकते हैं। फिर आपको दूसरा बेडरूम का प्लान दिखा दे रहा हूँ। दूसरा बेडरूम में क्या है, दरवाज़ा हम जैसे ही आप घुसेंगे पहले आपको ड्रेसिंग मिल जाएगा, इसलिए पहले ड्रेसिंग दिए हैं कि वार्डरोब का जो ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग का डीप कम है, जब डीप कम रहेगा तो रूम थोड़ा बड़ा दिखेगा, क्योंकि ड्रेसिंग के लिए उतना डीप का जरूरत नहीं है। और इसके बाद साइड में जो देखिए वार्डरोब है, इसके बाद आपको ऊपर बेडरूम का प्लान दिखा रहा है, एकदम बढ़िया वाला। The storms we chase are leading.